नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का बल्ला एक बार फिर से खामोश रहा, नहीं चले। पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले जो रूट कुछ खास नहीं कर सके और इंग्लैंड के कप्तान को आर अश्विन ने फिरकी के जाल में फंसाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा और पहले सेशन में ही 4 विकेट अपने गंवा दिए। जो रूट का आउट होना इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी वही एक बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। एशियाई पिचों पर जो रूट का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, पर बीते 3 इनिंग्स में उनके बल्ले से एक भी 50 रन नहीं निकला है। आर अश्विन की एक गेंद पर पूरी तरह से जो रूट गच्चा खा गए। देखकर लगा कि कभी उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को खेला ही नहीं है। विकेट लेने वाली गेंद थी ही नहीं, एक फुल लेंथ की डिलीवरी अश्विन ने फेंकी, पर गेंद की लाइन को पढ़ने में जो रूट मात खा गए। सामने वाले पैर से खेलते तो आराम से डिफेंस कर जाते, पर दोनों पैर को साथ लेकर वो खड़े हो गए और बल्ला आगे कर दिया। गेंद की लाइन से चकमा खा गए और जोरदार अपील हुई। गेंद पैड पर लगी थी, अंपायर ने आउट के लिए हाथ उठा दिए। रिव्यू हुआ पर अंपायर्स कॉल था, लिहाजा जो रूट को मैदान से बाहर जाना पड़ा। 37 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाकर जो रूट आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके भी लगाए। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का 3रा मुकाबला खेला जा रहा है। अहमदाबाद के मोटेरा में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टी ब्रेक तक इंग्लैंड 4 विकेट खोकर 81 रन बना लिए थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।